Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O Pocket Ganganagar, Mavana Road, Meerut. प्रेम प्रसंग का विरोध करते हुए एक भाई ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मेरठ के सदर थाना इलाके के भूसा मंडी में बीती रात करीब 3 बजे हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। बताया गया है कि युवक का पास ही स्थित एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका भाई व अन्य परिजन विरोध करते आ रहे थे। बावजूद इसके वह मौका पाकर युवती से मिलने जाता था। समझा जा रहा है कि बीती रात भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसके विरोध में उसकी हत्या कर दी गई। जिस युवक की हत्या हुई उसका नाम सलीम है। सलीम के परिजनों के मुताबिक मोहसिन ने उसे गोली मारकर गली के बाहर फेंका है। पुलिस छानबीन कर हत्यारोपी की गिरफ्तारी में लगी है। इस बारे में एसपी सिटी नित भटनागर ने यह जानकारी दी। देखिए, ये थाना सदर बाजार में भुक्सा मंडी क्षेत्र की घटना है। रात्रि में लगभग 3:45 के आसपास की घटना है। आज सलीम नाम का एक युवक, उसको एक व्यक्ति ने, जो कि वहीं पास में रहता था, उसने आकर के गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर के अनुसार अभी वो पंजीकृत करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, हत्या के पीछे का कारण क्या रहा, सामने आया? देखिए, ये तो तहरीर में जो वादी के द्वारा जो अंकित किया जाएगा उस पर हमारी जो है प्राथमिक रूप से हमारी जांच रहेगी। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं कि एक पास में ही रहने वाली एक युवती से इनका प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है कथित रूप से, जिसके बारे में जो विरोध हुआ और ये उसके बावजूद भी जाते रहे वहाँ पर। इस बात को लेकर युवती के परिजनों द्वारा ये घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये प्रथम दृष्टया ये बातें आ रही हैं। जैसी कही जाएगी उसके अनुरूप फिर आगे सभी साक्ष्यों पर कार्रवाई करते हुए व्यवस्था की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जान माल की सुरक्षा के साथ ही सरकार ने लोगों के रोजगार के लिए अनलॉक की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। ऐसे में और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। याद रखिए, कोरोना कम अवश्य हुआ है लेकिन खत्म नहीं। जब तक जरूरी न हो घर से न निकलें। मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर पर रहें, सेफ रहें। देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।